Hey guys, assalamu alaikum. कैसे आप सब लोग, वेलकम हो गया आप लोगों का मुशब व्लॉग में. तो अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 10 और हम लोग का नाश्ता भी रेडी हो चुका है, ये देखिए. तो मैं भी चलो फटाफट नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ और काम पे जाने का है तो निकलते हैं फिर. और भारी साहब आ गए, हमारा वेट कर रहे हैं. हम उठ तो गए थे 7 बजे पर फिर वापस सो के फिर 9 बजे उठे, तो इसके लिए आज थोड़ा सा वापस से लेट हो चुका है. तो चलिए, वैसा मेरा टेंशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई काम का फिक्स टाइमिंग नहीं है मेरा. जब दिल बोलता है मतलब मैं चले जाता हूँ. तो चलिए चलते हैं फिर. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया मुशब व्लॉग में. तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं. तो मैं जा रही हूँ अभी महत को आज इंजेक्शन लेने, क्योंकि 14 तारीख है आज, तो इसलिए इंजेक्शन देना है. तो देखती हूँ लेके जाके, अगर वहाँ आपका दिखा सकती हूँ तो दिखाऊंगी, क्योंकि दवाखाने में ऐसा मोबाइल अलाउ नहीं रहता इस वजह से. तो ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ी देर से मिलती हूँ. कौन है? महद है ये. कहाँ हो गया मधु? कहाँ है तुम? इंजेक्शन लेने आया बेटा, इंजेक्शन लेने आया. इंजेक्शन ले लिया महद ने. महद रोया भी बहुत. ज़्यादा नहीं रोया, सिर्फ इंजेक्शन लगे तक रोया है ना मम्मा. ठीक है, मैं अब घर जा रही हूँ. तो महत के अब्बा काम पे गए हैं, इस वजह से मैं अकेले गई थी, पैदल पैदल गई थी, पैदल पैदल आई. तो अब मैं जा रही हूँ घर. ये सो गया है, अब इसको जाकर दवा पिलाना है, 4 बजे इसको बर्फ़ देना है. तो ठीक है, घर जाके मिलती हूँ मैं आप लोग को. तो मैं घर आ चुकी हूँ. मेरा बच्चा इंजेक्शन लगाया ना तब रोया, अभी तो सोया है. अब जब सो के उठेगा तब देखते. सीढ़ी चढ़ना होता ना, हालत ख़राब हो जाती. बाप, थक गई मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैदल गई ना. बाइक पे जाने की अब आदत हो गई, अब पैदल जाना पड़ा, इस वजह से थोड़ी हालत ख़राब हो गई. ठीक है, कोई नहीं, चलता है बेचारे, वो भी काम पे गए. देखो महाज सोया है अभी यहाँ. महाज अभी सोया है. देखिए यहाँ लगी मेरे बच्चे को इंजेक्शन, यहाँ लगी. अल्लाह, अब जब उठेगा तब देखते क्या करता है. ठीक है फिर, चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जब से सोया है. अस्सलाम वालेकुम महाज, सो के उठ गया मेरा बेटा. कैसा लग रहा मम्मा? आज मम्मा को इंजेक्शन लग गई. हाँ मधु जान को इंजेक्शन लग गई. अच्छा लग रहा है मम्मा? मेरा बेटा स्ट्रांग बनेगा, मम्मा का बेटा स्ट्रांग बनेगा, है ना? सलाम करो, सबको सलाम करो जल्दी से, बोलो अस्सलाम वालेकुम. तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? बोलो मधु. अरे वाह, बोल दिया मेरे बेटे ने, हंस दिया ना, समझ लो बोल दिया. देखो कैसा ऊपर चढ़ता है. हाँ महाद, महाद माशाल्लाह अभी तो खेल रहा है. 4 बजे इसके पैर की सिकाई करूँगी मैं, तब बहुत लोई लोई कर लेगा ना मम्मा, लोई लोई कर लेगा ना तब. आज मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है, सिर्फ गोद में लेके बैठो बोल रहा है. दर्द हो रहा होगा ना बच्चे का मेरे. अल्लाह, तो देखिए मेरा महद यहाँ सो के उठ चुका है, थोड़ा रो रहा है मेरा बेटा आज. अभी मैंने इसको सेखा है बर्फ़ से, एक दो दिन में अच्छा हो जाएगा, एक दो दिन में अच्छा हो जाएगा मम्मा, ओके? हाँ परेशान नहीं हो, थोड़ा अच्छा तुम्हारे अच्छे के लिए है, मजबूत होगे तुम. हाँ कोई नहीं, 2 दिन में अच्छा हो जाएगा. तो हाँ चलो, कई सवाल अच्छा हो जाएगा. काम क्या करते हैं? तो मैंने बताया भी था कि मैं दरवाज़ा बनाता हूँ, फिर बाद में वापस मैसेज आने लगे कि मुसद्दिक मतलब कैसा दरवाज़ा बनाते, कैसा काम करते हैं. तो ये देखिए, पहले इसको मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ. तो इसको पहले ये MDF आती है, जो साइज़ का डोर रहता है उससे 1-1 इंच माइनस करके इसको कट कर लेने का, और उसके बाद फिर साइज लगाने का जो साँचा रहता है, तो वो अपना जो डिज़ाइन रहेगी मतलब कस्टमर की जो चॉइस करी हुई डिज़ाइन रहती है, वो डिज़ाइन के ऊपर ही ऐसा बाटम मतलब इसका साँचा हम लोग के पास रहता है ऑलरेडी, इसको डाई बोलते हैं. तो वो नीचे मतलब डाल देने का टेबल पे, बड़ा नीचे मतलब पहले बड़ा सा डोर रहता है उसके ऊपर इसको हम लोग डाल देते हैं, और फिर बाटम लगाते हैं
और उसके ऊपर जो साइज का कस्टमर का डोर रहेगा वो साइज यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं बॉटम पे। तो ये देखिए मैं जैसा ये कर रहा हूँ और लकड़ी लगा लगा के क्लैम इसके लिए लगाना पड़ता है ताकि बॉटम सरके ना, एक ही जगह एकदम फिक्स रहे, फिक्स और एकदम फिट रहे। तो ये मैं देखो मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो डिज़ाइन है एकदम बीच में सेंटर में आना चाहिए, तो इसके लिए आजू बाजू टेप से उसकी उसको गिनना पड़ता है, पूरा मेजरमेंट लेके करना पड़ता है। तो देखिए आप लोग तो देख सकते हैं जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, और ये केमिकल है, तो ये केमिकल पानी के जैसा होता है, उसको बना के अपने को उसके ऊपर मारने का रहता है, इसको कोटिंग बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं कस्टमर का एक दरवाज़ा है, तो मैं उसको कोटिंग कर रहा हूँ इसको। ये डिज़ाइन का नाम 18 नंबर है और ये ऑरेंज कलर है, टिकुट बोलते हैं इसको हम लोग, टिकुट कलर है। तो ये मेरी यहाँ पे कोटिंग चालू है, और उसके बाद ये पहला हाथ है कोटिंग का। अब ये वो सूख जाता है, मतलब जो नीचे पानी जैसा आप लोग केमिकल देख रहे थे, तो ये सूख जाता है 5 से 10 मिनट में सूख के, वो अपने ऊपर रहता है इसको कितने टाइम में सुखाने का। और ये यहाँ पे दूसरा हाथ उसके ऊपर हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग जैसे कि दूसरा हाथ हो रहा है, और उसको हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग से लेवल कर देंगे। उसके बाद ये जब सूख जाता है दूसरा हाथ, तो ये ऐसी कांच कोरी आती है मैट, इसको मैट बोलते हैं। तो ये मैट इसके ऊपर ऐसा बिछाना पड़ता है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये हमारी मैट बिछा के हो गई, फिर से हमने केमिकल बना के लाया तीसरा कोटिंग का हाथ, इसको मैटिंग बोलते हैं, क्योंकि मैट के ऊपर वर्क होता है ना केमिकल का, तो इसको मैटिंग बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे कैसा मैटिंग कर रहे हैं, हाँ, और इसको अच्छे से मतलब सब तरफ, और ये समझो जैसे इंसान के बदन में हड्डी रहती है वैसा दरवाजे के अंदर ये मैट है। तो ये इसको अच्छे से हम लोग मैटिंग करके पूरी बॉर्डर ठास के उसके ऊपर, ये जो मैं एकदम शुरू में जो MDF की कटिंग किया पुट्ठे की, तो वो इसके अंदर डाल देने का, जो साइज़ का डोर रहता है उससे 1 इंच माइनस करके, ताकि वो एकदम अच्छे से अंदर बैठ जाए। देखो आप देख रहे साइड से हल्का गैप भी है, और ये लांबी है, ये लांबी इसके लिए यूज़ होती है कि जो लकड़ी देख रहे हैं आप, तो ये हम लोग उसको साइड से चिपकाते हैं ताकि साइड में इंजीज ये वो लग जाए। तो ये देखो, और ये जो मैं लगा रहा हूँ तो ये हैंड रॉप है, इसको हैंड रॉप बोलते हैं, यहाँ पे कड़ी कोंडा हैंडल ये वो लगता है। तो ये देखिए हम लोग इसको लगा रहे हैं, और नीचे भी मतलब पूरा ये गट्टू और लकड़ी इसके अंदर रहता है, और जो हिसाब से मतलब दरवाज़ा रहता है वैसा हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो ये पूरा फुल भरा हुआ नहीं आता है, जैसा कस्टमर का ऑर्डर रहेगा, जैसा रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की, वो हिसाब से हम लोग ये बना के देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे को फिक्स साइज़ मिला था, तो ये कस्टमर के साइज़ का मैंने डोर यहाँ पे, अब ये इसके ऊपर फिर से हम लोग ये केमिकल मारेंगे लांबी। ये लांबी मारने से जो लकड़ी के टुकड़े रहते हैं सब सेट हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं परमानेंट, और ये इसके ऊपर फिर से एक MDF शीट आ जाएंगी, जो कि 1 इंच माइनस है डोर के साइज़ से। और इसके ऊपर ये हम लोग देखो लादी रख रहे हैं, ताकि मतलब ये अच्छे से प्रेस हो जाए, ऐसे दबे दुबे ना। ये हमने डोर प्रेस कर दिया है और ये सूख चुका है, तो उसको देखो हम लोग ये जो साइड का गैप था जो 1 इंच माइनस किए थे MDF को, तो वो 1 इंच में ये लांबी भरा जाता है, ताकि वो आसानी से मतलब छूट जाए, और बैक साइड जो है उसका ये एकदम लेवल हो जाए, ये जो MDF है। तो वही हम देखो यहाँ पे कर रहे हैं MDF लेवल, और इसके बाद ये सूखने के बाद इसके ऊपर बैक साइड का वर्क होएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये सूख गया है, और इसको हम लोग निकाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लांबी हो जाती है ऊपर जो पड़ी रहती है वो वेस्टेज हो जाती है, तो उसको हम लोग देखो निकाल रहे हैं। और फिर एक 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 इसका बॉटम जो रहता है वो छुड़ाना पड़ता है, तो बॉटम अपने दरवाजे से अलग हो जाता है, वो खाली फिनिशिंग के लिए रहता है और डोर का एक्यूरेट साइज लेने के लिए। तो ये बॉटम छुड़ाने के लिए इसके ऊपर वैक्स करके आता है, पॉलिश आती है, वो मारना पड़ता है, अगर वो नहीं मारेंगे तो ये बॉटम नहीं निकलता है। तो ये देखिए कितना आसानी से बॉटम निकल रहा है, और मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ इसके लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो बॉटम पे लग जाता है, तो वो बाद में राफी से उसको साफ़ करके हम लोग निकाल लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा मैट है ऊपर जो निकली हुई है उसको देखो यहाँ पे सूखने के बाद काट दिया जाता है। तो आप लोग तो देख ही रहेंगे, और बहुत कैसा लग रहा है दिखाना मेरे को कमेंट करके बताना। और ये साँचे में से हमने डोर भी निकाल लिया है, देखो आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह।
और जो इसका आउटर जो बॉर्डर रहती है जो एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब जो केमिकल में फैलती है तो एक्स्ट्रा जो हो जाती है वो सूखने के बाद हम लोग उसको काट लेते हैं फाइल से। और ये बैक साइड पे जो ऊपर नीचे आरी मारने में ऊपर नीचे जो मैट कटी हुई है उसको एकदम अच्छी तरह से वो ग्रेंडर से यहाँ पे लेवल किया जाता है पहले, ताकि एकदम लेवल उसका बैक साइड आए और मालूम ना पड़े। तो यहाँ पे देखो पीछे से भी मैट कट रही है और अरे सर, अरे वीडियो बनाते बनाते और यहाँ हमारे कैमरा मैन खड़े देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओ नो, ये क्या हो गया इसके साथ? और ये देखो ये जो मैट कट गई है, अल्लाह वो बच्चे के साथ हादसा हो गया। और ये मैट देखो हम लोग ने बिछा दिए और मैं इसके ऊपर मैटिंग कर रहा हूँ। तो भाई बहुत बोलते ना कि बहुत वो लगता है इसको मेहनत, मेहनत तो खैर हर काम में, पर ये जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने को पूरी मैटिंग कर दिया हूँ और उसके ऊपर ये फिल्म रख देते हैं जो पन्नी जैसी आप फ्रेम देख रहे हो, ये लैमिनेशन कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, जैसे अपने आधार कार्ड पे उस पर लैमिनेशन होता है। और ये सूख चुका है देखो, मैं इसको उठा रहा हूँ और इसके ऊपर और एक फाइनल हाथ आता है जिससे एकदम लेवल हो जाए और वो मैट ना दिखे। हाँ एकदम मस्त उस पर केमिकल का दो हाथ आ जाता है और उसको हम लोग ये स्कूची से लेवल कर देते हैं। तो ये इरशाद भाई देखो कैसे हंसी मजाक कर रहे काम के टाइम पे। तो ये देखो ये हम लोग ने इसको लेवल कर दिया, अब इसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये सूख चुका है देखो माशाल्लाह कितना मस्त ये इसको ग्लो वो आ गया, ग्लॉस आ गया इसके बैक साइड पे। और ये इसका जो साइड की जो आउटर मैट जो एक्स्ट्रा निकली हुई है उसको हम काट लेंगे ताकि उसकी बॉर्डर अच्छे से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं और वो बच्चा भी कितना बुरा गिरा है, वो वीडियो बना रहा था हम लोग का। और ये साइड में जो मतलब धार वार रहती है ताकि अपना ऐसा बच्चे लोग कैसे टक्कर उक्कर लग जाए कुछ हो जाए तो लोग को ज़्यादा लगे ना, इसके लिए इसको हल्का से इसकी बॉर्डर जो है वो चपटा कर देते हैं। और जो साइड से केमिकल नीचे गिरा हुआ होता है बॉर्डर पे जो लगा हुआ होता है उसको हम निकाल देंगे यहाँ पे देखो ब्लेड से। और जो पन्नी देख रहे हो आप बहुत काम की चीज़ है वो, जिससे मैंने बैक साइड डाला हूँ तो ये हम लोग ने निकाल दिए देखो एक्स्ट्रा जो केमिकल रहे। हमारा डोर रेडी हो चुका है और अभी मैं इसके बुनके इनके निकाल रहा हूँ और फ्रंट पे भी ग्राइंडर मार दूंगा। तो ये देखो फ्रंट की बॉर्डर पे भी ग्राइंडर हो चुका है और इसके ऊपर अभी ऑयल मतलब पॉलिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए आप पॉलिश हो गई है। तो माशाल्लाह देखो हमारा डेक डोर रेडी हो चुका है। तो ये बहुत से जन पूछ रहे थे कि मुसद्दिक भाई क्या काम करते, तो आप देख लो मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए ये इसमें का ही सेम बड़ा दरवाज़ा है, ये फादर है और इससे पहले इनका बच्चा था। तो मैं अभी काम पे से निकला था तो मैं सोचा चलो कुछ लेके चले जाते नाश्ते के लिए। तो मैं आया था सीख पराठा लेने के लिए कटकड़ी गेट पे। तो चलिए अभी यहाँ से जाना भी है। तो मैं काम पे से घर पे आ चुका हूँ और मैंने आज शब्बो का एकदम क्या बोलते हैं दिल खुश कर दिया। क्यों खुश कर दिया? तो शब्बो बोलेंगे और महत की हगीज वो भी मैंने ले लिया हूँ क्योंकि महत का हगीज का पैकेट खत्म हो चुका था। क्या है शब्बो? सीख पराठा लेके आए। बाप रे बाप, कहाँ से चांद निकला आज? ओह माय गॉड, अब आज आज ऐसे ही मैं बोला चलो अभी बहुत टाइम से मैं बोला ऐसा भी लेके नहीं गया हूँ। तो मैं हमेशा आता हूँ तो कुछ नहीं लाता हूँ, पर शबनम को लेके आता हूँ, आज बिना बोले लेके आ गया। तो ये देखिए मैं बाहर आया था थोड़ा मेडिकल पे शबनम के लिए टैबलेट लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो बचपन की थोड़ी यादें ताज़ा हो रही है। ये हमारे बागीचे में बैठे पीछे यहाँ में चलिए चलते हैं घर पे। तो गाइस हमारा खाना ना हो चुका है और महात बाबा भी सो गए हैं। तो मैं आया था काम पे से तो खेल रहे थे मेरे साथ, बहुत अच्छे से खेले माशाल्लाह, ज़्यादा रोए नहीं। तो दोपहर में बहुत रोया है जब उसको मैं बर्फ़ सेक रही थी। हाँ तो दोपहर में बहुत ज़्यादा रोया है। और आप लोगों का ये सवाल था कि मुसद्दिक काम क्या करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, है ना। अब प्लीज़ सब अच्छे से व्लॉग देख लेना। तो ये काम करते हैं और वही काम करते हैं जो बताए हैं जी। तो कैसा है मालूम, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि कई ऑफिस में काम करते रहेंगे, कौन सी ऑफिस में काम करते हैं, किधर काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। तो मैं दरवाजे की दुकान पे काम करता हूँ, पहले हम लोग की खुद की थी
फिर बाद में हम लोग बम्बई चले गए थे तो इसके लिए हम लोग ने बंद कर दिए। तो अभी मैं हमारे सेठ के पास कर रहा हूँ, तो वो भी बेचारे बहुत अच्छे हैं, मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिए कि मैं उनके पास काम करता हूँ, तो वो मेरे को मतलब अपने छोटे भाई जैसा ही मानते हैं। हाँ शब्बो, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरी दुकान है तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि बोलते ना शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा। मुझे क्या मालूम, शाहरुख खान का डायलॉग मैंने देखी। अरे अल्लाह, अच्छा तुम सलमान खान के फैन ना। हाँ। तो अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो सही है, हमारी भी खैर कुछ ऐसी ही कहानी है। तो और क्या बोलेंगे शबनम, दिन कैसा गया आज का आपका? अच्छा था, बस महत को लेके बैठी थी, वो रो रहा था, मेरे को रोना आ रहा था उसको देख देख के। हाँ तो खैर होते रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि माँ है, माँ को ही तकलीफ होती है। और दूसरी बात ये, मैं तो था नहीं सामने, नहीं तो मेरे को भी बहुत तकलीफ होती थी। तो आज एक ही पैर में इंजेक्शन लगा उसको, तब उससे पहले जब डेढ़ महीने का दोनों हाथ दोनों पैर पे लगा था तब नहीं सताया, अब थोड़ा आज ये बारे में थोड़ा सता रहा है। अभी आराम है क्योंकि दवा पिलाई है ना उसको, बुखार आया था तो बुखार की दवा पिला दी, अभी आराम है उसको। और कल मैंने आपको बताया था जो बच्चे के बारे में, तो आप बहुत से लोगों ने दुआ भी किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बेचारा बच्चा, हाँ अल्लाह उसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। और तमाम जितने भी मतलब है जो बीमारी में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, तो अल्लाह उन सब की परेशानी को दूर करे। तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बातें तो होती ही रहेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, और जो लोग नवे हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा सोचना नहीं, सीधा सब्सक्राइब करना, ताकि हम डेली आपके पास अपडेट देते रहें। तो और मतलब एक दो कमेंट्स देखी मैंने, तो एक दो सब्सक्राइबर उनका सवाल है कि मतलब मेरी डिलीवरी नॉर्मल कैसी हुई, मतलब मैंने क्या खाया क्या किया वो सब बताने बोल रहे हैं। तो एकदम मतलब नॉर्मल था, मुझे भी खुद नहीं मालूम था क्योंकि यहाँ पे अपन थे और फर्स्ट थी ना, मेरा खुद फर्स्ट था, मुझे इतना कुछ वो नहीं था। बट इतना तो अभी नॉलेज है कि फीडिंग कराने वाली मॉम को क्या खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोटी ही खाना चाहिए, क्योंकि मैं खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, बट अभी एक दो दिन से नहीं खा रही हूँ। बाकी ज़्यादातर फीडिंग कराने वाली मम्मी को रोटी खाना चाहिए, और जो चीज़ से गैस होती है खुद को बेबी को, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब आप लोग को ज़्यादा नॉलेज होगा कौन कौन सी चीज़ से गैस होती है, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ से गैस होती है। जैसा आलू हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गई, हाँ, गोभी हो गई, हाँ, बहुत जल्दी पैदा होती है, कुछ चीज़ें हैं जिससे गैस होती है, तो वो मतलब ना खाए। और मसूर की दाल से अच्छा दूध होता है, तो वो खाने का और रोटी खाने का। और एक दो चीज़ है, मैं उसकी डिटेल्स आपको अच्छे से दूंगी नेक्स्ट फिर कभी। बहुत अच्छी बात। और नॉर्मल कैसे भी क्या हुई, तो उसके लिए मेरे को लोग, मेरी भाभी बहुत चलाते थे लोग, ज्यादा वॉकिंग, ज्यादा जितना काम करेंगे, जितना वॉक करेंगे अपन, काम तो जितनी अपनी बॉडी मूव करेंगी उतना अच्छा रहेगा, है ना। जब तक कि मैं यहाँ थी मतलब औरंगाबाद में, तब तक मैंने काम करी, पर जब मैं मुंबई गई मेरी भाभी के पास, तो मैंने जरा भी काम नहीं करी, मतलब बैठ के बर्तन तक्का नहीं धोई ना कपड़ा धोई। माशाल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मैं सिर्फ चलती थी खाना ना खाने के बाद, और बाकी रोज रात में वॉकिंग करती थी। क्या बाकी तकदीर के हाथ में है, वो बाकी सब अल्लाह के ऊपर है, कुछ भी कर भी लेंगे तो भी नॉर्मल। यहाँ पे तो लोगों ने, यहाँ के डॉक्टर्स तो सीधा ऑपरेशन का बोल दिए थे, बाप रे, तो यहाँ पे कभी डिलीवरी नहीं कराने को, कराने का ही नहीं था ऑपरेशन, मैं बोला नहीं ऑपरेशन नहीं करने का है। ये सीधा लेके भागे मेरे को मुंबई, तो सब अल्लाह के हाथ में है। और कुछ चीजें इन लोग ने भी बहुत सपोर्ट की है, मेरी भाभी तो सीधा उठ बाहर चल, मेरी भाभी ऐसा करते थे, तो उस वजह से मैं आलसी सो जाती थी खाना खाते साथ, तो इन लोग ये लेके जाते थे, भाई बोलते थे जा इसको लेके जा मसद्दीक बाहर, तो ऐसे ऐसे करते करते तो अल्लाह के उससे एकदम आसानी से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब मेरा बेबी मेरे पास, इतना अच्छा फूल मिल गया, फूल मिल गया मेरा बच्चा। और हाँ, और एक कमेंट मैंने और देखा था कि जो मतलब
जिनको औलाद नहीं है जी जी, तो अल्लाह उनको औलाद नसीब करे, नेक सोले औलाद नसीब करे। बस दुआ करते रहे, जल्द भर दे आपकी बहन की शाजिया, कुछ तो नाम था, सॉरी, पर आपकी बहन का था, तो अल्लाह उनकी गोद जल्द से जल्द भर दे और उनको भी अल्लाह एक हसीन लाल अता करे। और जितने भी बेचारे परेशान हाल है, जितने की मतलब जायज ख्वाहिशात जो है अल्लाह वो पूरी करे, है ना। हाँ, क्योंकि होता है, खैर देखो ऊपर वाले के तरफ की बात है कि होना नहीं होना, तो खैर आप लोग भी दुआ करिए कि जो बेचारे जिनको औलाद नहीं है तो अल्लाह उनको औलाद नसीब करे ना। तो मैं जो भी डिलीवरी कर रहेगा मैं अच्छे से नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और मेरा काम भी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा काम कैसा लगा जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।